हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल क्वीन ऑफ फूड में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मकर संक्रांति स्पेशल गुड़ पीठा। तो हर जगह इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि बहुत कोई इसे अरसा पीठा कहते हैं, अनरसा भी इसे कहते हैं, या फिर गुड़ पीठा कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर गुड़ पीठा या फिर अरसा पीठा के नाम से जाना जाता है, और ये मकर संक्रांति में स्पेशली बनता ही है हर घर में। तो ये झारखंड स्पेशल पीठा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो इस रेसिपी के लिए आप ये वाला गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा जो लिक्विड वाला गुड़ है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम बनाएंगे ये गुड़ पीठा, हम यही गुड़ से बनाएंगे, ये लिक्विड वाला गुड़ से बनाएंगे, मेल्टेड वाला गुड़ से। आप कोई भी गुड़ यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब हमें गुड़ पीठा बनाने के लिए चाहिए तिल। ये वाइट वाला तिल हम इसमें यूज़ करेंगे। आप और एक तिल आता है ब्लैक वाला, उसका स्किन हटा करके यूज़ किया जाता है, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे नारियल, ये घिसा हुआ नारियल हम ले लेंगे। तो ये जो पीठा है इसे हम चूल्हे पे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप कढ़ाई देख रहे हैं, इसमें पहले हम लोग चीनी वाला पीठा बना था, तो उसमें पहले वो डो बन चुका है एक बार, उसके बाद ये गुड़ वाला उसी में ही बन रहा है। तो ये मकर में ज़्यादातर बनता ही है। तो यहाँ पर हम 2 किलो गुड़ का बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं गुड़ जैसे ही उबाल आ रहा है गुड़ में, वैसे ही हम डाल देंगे इसमें नारियल, और इसमें तिल भी डाला जाएगा वाइट वाला जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं क्वांटिटी तिल और नारियल का। और इसमें डाल करके हम अच्छे से मिलाएंगे और गुड़ को अच्छे से खौलाएंगे, और एक तार की चाशनी बनाएंगे। तो इस पीठा को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा चावल का आटा। तो आपको ध्यान रखना एक चीज़ कि आपको फ्रेश पीसा हुआ चावल का आटा लेना है, और उसी से ही बनता है ये। और हम यहाँ पर 2 किलो गुड़ यूज़ करेंगे, तो उसी हिसाब से हम 4 किलो चावल लेंगे। और आप देख सकते हैं एक तार का चाशनी हमारा हो चुका है, और यहाँ पर अभी हम चावल का आटा डालेंगे। तो ये फ्रेश पीसा हुआ चावल का आटा है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। तो हमारा 2 किलो गुड़ का बन रहा है पीठा, तो हम यहाँ पर 4 किलो चावल का आटा पीस लिए हैं। और जैसे कि आप अगर 1 किलो गुड़ का बनाते हैं तो 2 किलो चावल आप पीस लीजिएगा भिगा करके। और आपको फिर जैसे ही वो एक तार वाला चाशनी बन जाता है, उसके बाद कंटिन्यू डालते जाना है चावल का आटा, और मिलाते जाना है अच्छे से। और इस वक्त पे आँच बहुत हाई नहीं रहना चाहिए, बस हल्का हल्का, बस आग जलते रहेगा तभी। और क्योंकि मकर संक्रांति पे ये बनता है, तो हमारे यहाँ चूल्हे पे ही बनता है ये पीठा हमेशा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है इसीलिए, और चीनी वाला भी बनता है। तो मैं आपको गुड़ वाला शेयर कर रही हूँ, कभी बनेगा तो फिर मैं आपको चीनी वाला भी शेयर करूँगी। और देखिए, आप जब आपको पता चलेगा बन गया, आप हाथ से बस टच करके देखिएगा उस डो को, तो आपके हाथ में चिपकेगा नहीं, तभी आपको पता चल जाएगा कि ये हो गया है, डो रेडी हो गया है। और इसको आप बस एक बर्तन में निकाल लीजिएगा, और देखिए यहाँ पर गुड़ वाला और चीनी वाला दोनों का यहाँ पर डो तैयार कर लिया गया है, और दोनों बनेगा। और मकर के टाइम पे हमारे यहाँ दोनों बनता है, चीनी गुड़ दोनों का। और देखिए हम तिल डाल करके बनाएंगे, एक बार तो हम तिल डाल चुके हैं, फिर से हम तिल डाल करके बनाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इस तरह से आपको हाथ में लेना है डो को, और गरम गरम बिल्कुल मत कीजिएगा वरना आपका हाथ जल सकता है। और फिर आपको इस तरह से हाथ से पीठा का साइज़ बना लेना है गोल करके, आपको कैसे भी छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं पीठा। तो इस तरह से हमारे यहाँ बनता है ज़्यादातर। और आप अगर ज़्यादा तिल इस तरह से भर भर के देते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है पीठा का। आप चाहें तो बिना इस तरह का ऊपर से तिल डाले भी बना सकते हैं, क्योंकि हम पहले भी डो में एक बार तिल डाल चुके हैं, तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं। या फिर आपको पसंद है तिल ज़्यादा खाना तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, मतलब ज़्यादा तिल डाल करके भी, उससे भी पीठा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह से भर भर के आप तिल डालिएगा तो बहुत ज़्यादा सच में टेस्टी लगता है। तो मेरे घर में इस तरह से ज़्यादा ज़्यादा तिल डाल करके बनाते हैं। और देखिए बहुत सारा पीठा बना करके रेडी कर लिया गया है, इसे अभी तला जाएगा।
तो इस तरह से बस आपको तेल में डाल करके पीठा तल लेना है, और आप एकदम हाई फ्लेम पे मत तलिएगा पीठा, वरना फिर वो तुरंत लाल हो जाएगा, फिर अंदर से पकेगा नहीं, फिर कच्चा रह जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको मीडियम या फिर लो फ्लेम पे ही तलना है पीठा। या अगर आप चूल्हे पे बना रहे हैं तो चूल्हे का आग थोड़ा सा कम ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा आप आग जला लीजिएगा तो फिर नहीं बन पाएगा। और इस तरह से एक एक करके आप डाल करके तलते जाइएगा पीठा। और पीठा बनाना बहुत आसान है, बस आपको वही डो तैयार करने में बस जितना टाइम लगे, वरना तलने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बिना गुड़ पीठा का मकर संक्रांति हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता है। तो ये मकर संक्रांति स्पेशल पीठा है, मतलब हर साल हर घर में बनना ही है। आप किसी के घर भी जाइएगा इस वक्त पे, हमारे यहाँ गुड़ पीठा खाने को मिलेगा ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल रेसिपी है जो हर घर में मकर संक्रांति में बनता ही है। तो ये जो गुड़ पीठा का डो है, इसे पहले ही एक बार पका लिया गया है, तो इस वक्त पे हमें बहुत ज़्यादा देर तक तलने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। पर आपको ध्यान रखना है कि आप हाई फ्लेम पे इसे ना तलें, बस फिर आपको इस तरह से एक एक करके ऑयल में डाल करके तल लेना है बस। आप और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, एक साथ बहुत ज़्यादा पीठा मत डाल दीजिएगा ऑयल में, वरना आप ऑयल में डालने के बाद थोड़ा सा वो मेल्ट होता है, तो अगर आप एक साथ बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो वो मेल्ट हो जाता है और एक दूसरे के साथ चिपक जाता है, फिर आपका जो पीठा है वो चिपक जाएगा एक दूसरे के साथ सारा। तो पहले एक डाल करके आप छोड़ दीजिएगा थोड़ा देर तक, फिर उसके बाद और एक डालिएगा तो ही अच्छा बनेगा फिर। तो इसी तरह से आपको सारा पीठा तल लेना है, फिर आपका पीठा बन करके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना सारा पीठा हमारा बन चुका है। और इस पीठा को आप गर्मा गर्म ना खाएं, थोड़ा देर रुक जाइए उसके बाद खाइए, या फिर ये आप कम से कम एक महीना तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से रह जाएगा एक महीना। और आप देख सकते हैं पीठा कितना अच्छा बना है, और सच में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। और आप ज़रूरी नहीं कि मकर संक्रांति में ही बनाइए, आपको कभी भी मन करेगा बना करके इसे खा सकते हैं। तो पीठा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, और आप देख सकते हैं पीठा हमारा एकदम अंदर तक अच्छे से कुक हुआ है। तो बिल्कुल पीठा रेडी है खाने के लिए। आप भी इस तरह से घर में बनाइए और सबको खिलाइए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।